नमस्ते खानों के शौकीन। कभी आप दिल्ली गए होंगे तो आपने कई रेडियां देखी होगी रंग बिरंगे चीले बनाते हुए, और आपका मन भी ललचाया होगा। तो हम आपको सिखाएंगे कैसे बनाए वो चीला। तो चलो लेट स्टार्ट विद द इंग्रेडिएंट्स। हेलो, इसके लिए एक कटोरी बेसन, ब्री काटा प्याज, एक टमाटर काटा हुआ, थोड़ा हरा धनिया, हरी मिर्च, रेड चिली पाउडर और थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार, और चटनी के लिए हरा धनिया, इसके लिए हरा धनिया स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा कोकोनट, थोड़ा रोस्ट करी हुई चना दाल और 6-7 कली लहसुन, हरी मिर्च और नींबू, टमाटो सॉस और बनाने के लिए रिफाइंड ऑयल। इसके लिए एक कटोरी बेसन, इसको हमने छान के ऐसे रखा हुआ है, काटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च स्वाद के अनुसार, हरी मिर्च आप जैसा तीखा खाना चाहिए वैसे डाल लें, हरा धनिया स्वाद के अनुसार, नमक थोड़ा सा, लाल मिर्च, मिक्स करके ऐसे पानी से वापस बोलना कि धीरे धीरे करो वो काट, और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर। अब इसमें धीरे धीरे करके पानी डाल लीजिए, धीरे धीरे चलाइए, इसमें गांठ नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे पतला गोल बना लीजिए। देख लीजिए अभी ऐसा गोल बन गया, इसका पानी डाल के धीरे धीरे हमने ऐसे बना लिया। इसमें एक कटोरी से लेके 1.5 कटोरी तक बेसन डाला हमने, और ये 6-7 इसके 7-8 ऐसे चिल्ले बन जाएंगे, 3-4 आदमी आराम से खा सकते हैं इसको। तो हमने पहले से गर्म करके रखा हुआ, ऐसे थोड़ा सा तेल लगा के, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लगाना, और ऐसे जैसे वो डोसा बनाते हैं उसकी ऐसे ही ऐसे करके डाल दो, धीरे से ऐसे धीरे से हिला दिए, बस साइड में थोड़ा सा ऐसे ऐसे तेल लगा दिए, ऐसे ऐसे करके, ज़्यादा नहीं लगाना, बिल्कुल बहुत कम तेल से बनता है ये। देखो अभी ऐसा बन गया है, इसको मीडियम फ्लेम पे बनाना है, नहीं तो वो ज़्यादा तेज करेंगे तो वो जल जाता है। अभी इसको ऐसे बैठ लेंगे हम, ऐसे देखो कितना अच्छा कलर आ गया इसका, हम इस साइड में हम अच्छे से लगा लेंगे, थोड़ा सा ऑयल लगा के ऐसे, बिल्कुल मीडियम फ्लेम में बना पकाना इसको, नहीं तो काला हो जाता, जल जाता, फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। देख लीजिए इसका ऐसा, इसको ऐसे दबा दबा के अच्छे से पका लीजिए दूसरी साइड में, बिल्कुल। अब इसका देखो कैसा ऐसा कलर आ गया, अभी थोड़ा सा और थोड़ा सा कर लीजिए, अभी थोड़ा अच्छे से बनानी, बीच में जो ये येलो नहीं दिखाई देना चाहिए, इसको लाल ही दिखाई देना चाहिए अच्छे से। देख लीजिए ऐसे बन गया, बन के तैयार हो गया, अभी हम दूसरा ऐसे बना लेते हैं, ऐसे करके धीरे से आराम से ऐसे कर लीजिए, वो बन जाएगा वो अच्छे। हमारा चीला देखो बन के ऐसे तैयार हो गया, अभी हम चटनी बना रहे हैं। चटनी के लिए कोकोनट, हरा धनिया, 5-7 कली लहसुन, हरी मिर्च, नींबू का रस, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा रोस्ट करी हुई चना दाल, इस सबको हमने मिला के ऐसे पानी के साथ पीस लिया। अभी हम सैंडविच बनाते हैं। सैंडविच के लिए पहले हमने तवा गर्म करके रखा हुआ है, इसके ऊपर जो ब्रेड के ऊपर हम ऐसे सॉस लगा लेते हैं, पहले थोड़ा सा बटर ऐसे डाला तवे के ऊपर, अभी इसको इसके ऊपर हमने ऐसे सैंडविच रखा, ब्रेड रखी ऐसे, इसके ऊपर ऐसे जो चीला बना के रखा हुआ हमने, इसके ऊपर अच्छे से ऐसे रख दिया ऐसे करके। अभी दूसरी ब्रेड इसके ऊपर हमने चटनी लगाई ऐसे,
और इसके ऊपर ऐसे हमने रख दिया, इसको अच्छे से ढक दिया ऐसे। ऐसे ऊपर से इसके ऊपर भी ऐसे थोड़ा सा बटन लगा दिया, ऐसे थोड़ा सा ऊपर दबा दिया ऐसे। हमारी ब्रेड ऐसे इधर से सिक चुकी है, ऐसे देखो ब्राउन हो चुकी है। इसको दूसरे तरफ कुछ ब्राउन कर लेते हैं हम अच्छे से। ब्रेड को सिम पे ही रखना है, फ्लेम को सिम पे ही रखना है। ऐसे हम ब्राउन कर लेंगे। देखो ये ब्राउन हो चुकी है हमारी दोनों सिर पे, ऐसे नीचे लग रही है, बीच में से काट के ऐसे देखो। इतनी अच्छी लग रही है देखो, इसको जरूर बनाना। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम काफी ऐसे वीडियो हर हफ्ते लाते हैं, कम से कम दो वीडियोस अच्छे खा